हेलो फ्रेंड्स, पावर प्लांट टेक्निकल नॉलेज में आपका स्वागत है। पावर प्लांट टेक्निकल नॉलेज को जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं स्टीम ड्रम के बारे में। स्टीम ड्रम के ऊपर क्या क्या होता है, स्टीम ड्रम के ऊपर कौन कौन सी लाइन होती है और वो लाइन क्या काम करती है, स्टीम ड्रम के ऊपर इक्विपमेंट क्या होते है, उस इक्विपमेंट का क्या काम है और बॉयलर में जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था माउंटिंग फिटिंग और वो सब माउंटिंग फिटिंग स्टीम ड्रम के ऊपर ही होते हैं। फ्रेंड्स, आज हम माउंटिंग फिटिंग भी देख लेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टीम ड्रम ओवरव्यू कुछ ऐसा होता है। उसके ऊपर इतने सारे इक्विपमेंट होते हैं, अगर इसमें से एक भी इक्विपमेंट अगर नहीं है तो बॉयलर हम चला नहीं सकते, इसीलिए इस इक्विपमेंट को माउंटिंग फिटिंग कहते हैं। उसके बिना हम बॉयलर को नहीं चला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे एक एक से समझने की कोशिश करेंगे। तो बॉयलर का जो स्टीम ड्रम है वो कुछ इस प्रकार डिजाइन होता है, यानी कि ये स्क्वायर में नहीं होता है, सर्कमफेरेंस में होता है। तो फ्रेंड्स, ये ऐसा डिजाइन क्यों होता है, क्योंकि इसको ऐसा डिजाइन करने से स्ट्रेंथ बहुत मिलती है और चारों तरफ जो प्रेशर है वो इक्वल होता है। यहाँ पे एयर इसके अंदर नहीं रुकती है, बहुत आसान तरीके से बाहर एयर निकल जाती है, इसलिए स्टीम ड्रम इस टाइप का होता है, तो सेल टाइप। तो फ्रेंड्स, स्टीम ड्रम आपको पता है बॉयलर में जो सबसे महत्वपूर्ण जो है वो वाटर है और वाटर यानी कि बॉयलर का जीवन है। वाटर फीड करने वाला जो फीड पंप है बॉयलर को, उसको हार्ट माना जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये पता होना चाहिए वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बॉयलर। तो हम जो है बॉयलर में वाटर लेवल जो है 50% रखते हैं, आपको पता है, क्योंकि स्टीम को स्पेस चाहिए यहाँ पे स्टोर होने के लिए, इसलिए हम जो बॉयलर का वाटर लेवल है वो हम 50% रखते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, हमको बॉयलर के अंदर का जो वाटर लेवल है यानी कि स्टीम ड्रम के अंदर का जो वाटर लेवल है वो देखने के लिए हमें एक इक्विपमेंट होता है और वो इक्विपमेंट का नाम है गेज ग्लास, यानी कि वाटर लेवल गेज ग्लास। इस गेज ग्लास के सहायता से हम बॉयलर के अंदर का जो वाटर लेवल है वो देखते हैं और उसका जो टैपिंग है, यहाँ से स्टीम स्पेस से एक टैपिंग निकालते हैं और वाटर स्पेस से एक टैपिंग निकालते हैं और यहाँ पे ग्लास होती है, वो ग्लास के अंदर से हमको वाटर लेवल दिखती है। आप देख सकते हो यहाँ पे इस बॉयलर के अंदर जितना वाटर है उतना ही वाटर इस गेज ग्लास में बताता है और ऊपर जो स्टीम है वो स्टीम नहीं दिखती है हमें, उसका सिर्फ ऊपर से प्रेशर होता है स्टीम का, हमें इस गेज ग्लास में वाटर लेवल दिखती है। और उस वाटर लेवल को देखने के लिए हमें यहाँ पे कुछ वाल दिया है, ये वाल है स्टीम कॉक और ये वाटर कॉक और ये ड्रेन कॉक, इसको वाल बोलते हैं और कॉक भी बोलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको कंफ्यूजन होने की कोई जरूरत नहीं है, इसको आप वाल भी बोल सकते हो। कभी कभी क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे जो ये जो टैपिंग दिया है ये टैपिंग थोड़ा सा साइज इसका कम होता है और क्लीनिंग प्रॉपर न होने के वजह से ये चोकअप भी हो सकता है, यानी कि जाम हो सकती है और इसके अंदर जो वाटर लेवल है वो गलत बता सकती है, इसलिए दूसरी वाटर लेवल यहाँ पे गेज ग्लास देते हैं। लेकिन ये जो जाम होने के बाद, चोकअप होने के बाद हम उसको क्या करते हैं, इसको हम करते हैं फ्लश, यानी कि स्टीम फ्लश करते हैं यहाँ से और वाटर भी फ्लश करते हैं, यानी कि हम गेज ग्लास वॉश करते हैं, गेज ग्लास ड्रेन करते हैं। जब हमारा स्टीम का टैपिंग, स्टीम का लाइन चोकअप हो जाता है तो हमें यहाँ से स्टीम का प्रेशर नहीं मिलेगा और स्टीम और वाटर का प्रेशर दोनों सेम है क्लोज वेसल में ड्रम के अंदर, तो ये प्रेशर इस वाटर को नीचे दबाएगा और ये वाटर ऊपर वाली साइड में जाएगा, यानी कि स्टीम का अगर लाइन जाम है तो वाटर लेवल आपको हाई बताएंगे और वाटर का टैपिंग या लाइन जाम है तो आपको वाटर लेवल लो बताएगी। तो फ्रेंड्स, इसलिए हमें कौन से भी बॉयलर पे दो गेज ग्लास देते हैं और दोनों गेज ग्लास में वाटर लेवल सेम होना चाहिए, क्योंकि ड्रम के अंदर जो टैपिंग निकालते हैं इस गेज ग्लास का सेम साइड में निकालते हैं, अपोजिट साइड में, लेकिन सेम हाइट पे रहता है, इसलिए हमें दोनों गेज ग्लास में लेवल सेम बताना चाहिए। अगर नहीं बताती है सेम तो कुछ तो गड़बड़ है, हमें जान लेना चाहिए और चेक करना चाहिए, गेज ग्लास को ड्रेन करना चाहिए, पूरा स्टीम लाइन, वाटर लाइन और गेज ग्लास पूरा फ्लश आउट करना चाहिए, उसके बाद गेज ग्लास लाइन पे लेना चाहिए। सपोज फ्रेंड, आपने सब कुछ किया फिर भी गेज ग्लास में जो है एक गेज ग्लास में वाटर लेवल कम बताता है और एक ग्लास
गेज ग्लास में वाटर लेवल ज्यादा बताता है, फिर भी आपको बॉयलर चलाना है, तो आप फ्रेंड्स यहाँ पे जो बॉयलर चलाएंगे तब मिनिमम वाटर लेवल कंसिडर करके आप बॉयलर चला सकते हो, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं। आप जल्दी से जल्दी बॉयलर बंद करके गेज ग्लास का काम कर लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी रिस्क है। अगर हमको बॉयलर का वाटर लेवल नहीं एक्चुअल में पता चलता है तो बहुत बड़ा इंसिडेंट हो सकता है। इसलिए आपको अगर इमरजेंसी में चलाना हो, एक गेज ग्लास में वाटर लेवल मैक्सिमम हो और एक गेज ग्लास में वाटर लेवल मिनिमम है, तो आप चला सकते हो, लेकिन मैक्सिमम लेवल कंसीडर करके नहीं, तो आप मिनिमम लेवल कंसीडर करके चला सकते हो। क्योंकि फ्रेंड हमको बॉयलर में पानी चाहिए, यानी कि वाटर चाहिए, वाटर शॉर्टेज नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम वाटर लेवल हो गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इश्यू नहीं होगा, लेकिन मिनिमम वाटर लेवल है और वाटर शॉर्टेज हो गया बॉयलर में तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए हमें मिनिमम वाटर लेवल कंसीडर करके बॉयलर चलाना चाहिए। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूंगा कि ये क्या है, गेज ग्लास क्या होता है। ये प्रोटेक्ट शील्ड है, यानी कि गेज ग्लास के ऊपर जो कवर है ये प्रोटेक्ट शील्ड बोलते हैं इसको। ये नट बोल्ट है फ्रेंड्स, और ये गेज ग्लास है, यानी कि ग्लास होता है कांच वाला, उस कांच के अंदर से हमें पानी दिखता है, यानी कि वाटर दिखता है। और ये वाटर कॉक है, ये स्टीम कॉक है, ये ड्रेन कॉक है, ये दोनों सेम डिजाइन के होते हैं। कहीं पे अलग अलग डिजाइन के भी हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपको स्टीम ड्रम के ऊपर जाने के बाद ये कंफर्म करना है कि वहाँ पे दो गेज ग्लास कंपलसरी चाहिए। और दोस्तों ये माउंटिंग में है। माउंटिंग में क्यों है? क्योंकि हम इसके बिना बॉयलर को नहीं चला सकते। आप माउंटिंग और एसेसरीज ध्यान में रखिए, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था माउंटिंग क्या होता है। माउंटिंग जिसके बिना हमारा बॉयलर नहीं चलेगा, और एसेसरीज क्या होता है, हम उसको बाईपास करके चला सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसके बाद लेवल ट्रॉल, ये लेवल ट्रॉल जो है ये एसेसरीज है, यानी कि ये कंपलसरी नहीं है। ये हमें नीचे इंडिकेट करता है, नीचे यानी कि कंट्रोल रूम में हमें ये इंडिकेट करता है, हमको ये मैसेज देता है। इसके अंदर स्विच होता है लो, मीडियम और हाई, और ये जो टैपिंग है स्टीम टैपिंग है और ये वाटर टैपिंग है। ये गेज ग्लास के साइड से ही लगाया होता है। कौन से बॉयलर पे होता है, कौन से बॉयलर पे नहीं होता है, एच पर कंपनी रिक्वायरमेंट है। तो फ्रेंड्स इसका कोई ज्यादा मैं आपको बताने वाला नहीं हूँ, क्योंकि ये एसेसरीज में है। ये मैं जब एसेसरीज आपको बताऊंगा उस समय आपको इसके बारे में फुल इन्फॉर्मेशन दूंगा। उसके बाद फ्रेंड्स वही है, ये जो ड्रम वाटर लेवल ट्रॉल है, अंदर वाली साइड मैंने आपको बताने की कोशिश की है, ये स्टीम टैपिंग है और ये वाटर टैपिंग है। तो फ्रेंड्स ये जो स्टीम ड्रम वाटर लेवल ट्रॉल है, ये ऐसा यहाँ पे बिठा सकते हैं, ऐसा यहाँ पे हो सकता है। आप स्टीम ड्रम के ऊपर जब प्रैक्टिकल में जाओगे तब आप इसको देख सकते हो, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो हमारा ये गेज ग्लास रहेगा, कंपलसरी है ये गेज ग्लास, ये रहेगा नहीं रहेगा इससे कोई हमें मतलब नहीं है, क्योंकि ये माउंटिंग में नहीं है। ये सिर्फ हमारा काम जो है आसान कर देता है, यानी कि ऊपर जाने की जरूरत नहीं होती है, नीचे से हम बॉयलर का वाटर लेवल यहाँ पे देख सकते है। फिर भी फ्रेंड्स हमको 24 आवर्स में बॉयलर का जो गेज ग्लास होता है एक बार तो भी हमें ड्रेन आउट करना चाहिए, एक बार तो भी इसको चेक करना चाहिए कि हमारा जो वाटर लेवल गेज ग्लास है वो सही काम कर रहा है या नहीं। दोनों गेज ग्लास वेरीफाई करना चाहिए, ये कंटिन्यूसली चार्ज, बॉयलर का चार्ज लेने से पहले हमें ये बहुत इम्पोर्टेंट है वाटर लेवल बॉयलर के लिए। तो आप कभी भी बॉयलर पे जाओगे तो सबसे पहले गेज ग्लास ड्रेन करके देखना चाहिए। गेज ग्लास ड्रेन करने से हमारा इतना फायदा हो सकता है, कौन सा भी बड़ा इंसिडेंट यहाँ पे रुक सकता है। अगर गेज ग्लास फाल्टी है और आपको यहाँ पे पकड़ में आ गया, यानी कि आपको समझ में आ गया कि बॉयलर में वाटर लेवल नहीं है, फिर भी गेज ग्लास में वाटर बताता है कभी कभी, मैंने आपको बताया ये टैपिंग जो निकाला है जो लाइन, ये जाम हो सकती है और बॉयलर में वाटर लेवल नहीं हो सकती है, और उसमें गेज ग्लास में वाटर लेवल बता रही है, तो आप ड्रेन करने के बाद और ड्रेन बंद करने के बाद जो वाटर लेवल है आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। अगर नहीं हुआ तो आप बहुत अलर्ट हो सकते हो। इसलिए आपको शिफ्ट में या 24 आवर्स में एक बार तो भी गेज ग्लास ड्रेन आउट करना चाहिए। तो फ्रेंड्स उसके बाद स्टीम ड्रम वाटर लेवल
कंट्रोल ट्रांसमीटर, यानी कि ये जो ट्रांसमीटर है ये हमें नीचे ट्रांसमिट करता है, यानी कि जो लेवल है वो नीचे बताता है बॉयलर के अंदर कितना लेवल है नीचे, यानी कि कंट्रोल रूम में हमको बताता है। इस लेवल ट्रॉल के ऊपर ज्यादा भरोसा नहीं रख सकते है, क्योंकि फ्रेंड्स वो चलता है इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रिक सप्लाई से वो चलता है, तो हम उस लेवल ट्रॉल के ऊपर ज्यादा गारंटी नहीं रख सकते है, क्योंकि वो कभी भी फेल हो सकता है। और ये जो हमारा गैस ग्लास है इसको कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता है सप्लाई, कोई एयर नहीं होता है, ये मैकेनिकली काम करती है। तो लेवल ट्रांसमीटर जो है कुछ ऐसा स्काडा पे बताता है, नीचे जो स्काडा होता है या पैनल बोर्ड होता है, तो इसमें क्या है ये जो जीरो बता है यहाँ पे, हमारा जो बॉयलर में 50% वाटर लेवल है वो हम जीरो कंसीडर करते हैं, और बॉयलर वाटर का जो फीड वाटर कंट्रोल वाल है उसको हम सेट पॉइंट देते हैं कि हमारा +25 +50 तक वाटर लेवल मेंटेन करने के लिए उसको काम दे देते हैं। तो फ्रेंड्स ये जीरो इसलिए कंसीडर किया है क्योंकि हमारा कंपलसरी इसमें 50% लेवल रखना है, उसके बाद जो भी लेवल बढ़ता है वो प्लस होती है, क्योंकि यहाँ पे स्टीम को भी स्टोरेज चाहिए, इसलिए हम 50% लेवल बॉयलर का रखते है, लेकिन उसको हम जीरो कंसीडर करते हैं, और उसके बाद जो लेवल बढ़ता है वो प्लस होगा, और उसके बाद जो लेवल घटता है वो माइनस होगा। तो इस प्रकार वाटर लेवल ट्रांसमीटर होता है। उसके बाद ये वाटर लेवल जो ट्रांसमीटर है ये भी कभी कभी फॉल्टी हो जाता है, कभी कभी वर्किंग करना बंद कर देता है, कभी कभी ये फुल बता देता है, कभी लो बता देता है, तो कभी यहीं पे अटक के रहता है वो 0% पे, इसलिए दूसरा लेवल ट्रांसमीटर भी देते है यहाँ पे दो। लेकिन फ्रेंड्स ये लेवल ट्रांसमीटर जो है ये माउंटिंग नहीं है, ये एसेसरीज है। आपको मैंने ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसका जो टैपिंग है यहाँ पे इस गेज ग्लास के टैपिंग से ही निकल के साइड से रहेगा, आपको वहाँ पे पता चल जाएगा जब देखोगे गेज ग्लास के टैपिंग में जो दूसरा टैपिंग होगा वहाँ पे आप कंफर्म बोल सकते हो, समझ सकते हो कि वो जो टैपिंग है वो लेवल ट्रांसमीटर का ही है और लेवल ट्रॉल का ही है या लेवल स्विच का है। उसके अलावा इस गेज ग्लास के टैपिंग में कौन सा भी दूसरा टैपिंग नहीं होता है, 100% आप श्योर हो जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स उसके बाद लेवल स्विच, ये लेवल स्विच खाली इंडिकेट करता है, और ये जो ट्रांसमीटर है ये परसेंटेज में या आपने जो भी यूनिट दिया है एमएम में लेवल शो करता है नीचे स्काडा पे या डीसीएस पे या पैनल बोर्ड पे। और स्विच क्या करता है, सिर्फ हेल्दी अनहेल्दी यानी कि ग्रीन सिग्नल और रेड सिग्नल देता है, रेड यानी कि पानी नहीं है, ग्रीन यानी कि पानी है। अभी ये लेवल स्विच लो यानी कि इसके अंदर पानी है क्योंकि यहाँ पे ये ग्रीन है। उसके बाद लेवल स्विच मीडियम, अभी मीडियम लेवल है वो भी सिग्नल देता है। और उसके बाद लेवल स्विच हाई, अभी यहाँ पे यहाँ तक पानी आ गया तो ये ग्रीन हो जाएगा, लेकिन अभी इसके अंदर सिग्नल कौन सा है, रेड, यानी कि हाई तक लेवल अपना नहीं है, ये एक सिग्नल होता है। इसके अंदर लेवल ट्रांसमीटर और लेवल स्विच के ऊपर इंटरलॉक होता है, इंटरलॉक यानी कि ये दोनों भी 3 out of 2 अगर है तो ये तीनों में से 2 एक्टिव हो गए, यानी कि लेवल ट्रांसमीटर जो है ये पहला वाला जो लेवल ट्रांसमीटर है ये -50 लेवल बता रहा है, और लेवल स्विच जो है ये माइनस बता रहा है, यानी कि अगर यहाँ पे रेड सिग्नल आ गया है और ये 100% है, यानी कि अगर ये 50% है प्लस, तो ये तीनों में से 2 अगर सेम बता रहे हैं तो ये बॉयलर ट्रिप हो सकता है। इसको ऐसा इंटरलॉक होता है 3 out of 2, 3 out of 3, यानी कि 3 है, तीनों भी अगर एक्टिवेट है तभी बॉयलर ट्रिप होगा, तीनों में से 2 एक्टिवेट हो गए तभी वो ट्रिप होगा, तो ऐसे इंटरलॉक सिस्टम होता है। इसलिए मैंने ये आपको लेवल ट्रांसमीटर और लेवल स्विच बताया है, और ये माउंटिंग फिटिंग में नहीं होता है, ये एसेसरीज है एज पर कंपनी रिक्वायरमेंट फॉर द सेफ्टी, बॉयलर की सेफ्टी के लिए ये होता है इंटरलॉक और ये सिस्टम। तो फ्रेंड्स उसके बाद हमारा यहाँ पे आ गई ये लाइन जो ये आई है फीड वाटर पंप, यानी कि अपना जो फीड वाटर पंप है बॉयलर का उस फीड वाटर पंप से ये लाइन आई है, तो ये कुछ ऐसी लाइन होती है इसके अंदर इंटरनल स्टीम ड्रम के अंदर घुसती है। आपको मुझे ये समझाना है स्टीम ड्रम के ऊपर क्या क्या होता है, स्टीम ड्रम के जो लाइन्स है
पूरा वो लाइन आपको समझाना है। इसके अलावा उधर वहाँ पे आपको कौन सी भी लाइन देखने को नहीं मिलेगी। अगर एकाधी लाइन एक्स्ट्रा आपको मिलती है तो क्यों होगी, मैं आपको वो भी समझाने वाला हूँ। तो फीड लाइन यहाँ पे आती है। तो फ्रेंड्स, ये जो फीड लाइन है इसके अंदर से नोजल है, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया है। देखो ऐसा कुछ स्प्रे होता है इसके अंदर वाटर, और आगे से यहाँ पे इसको ब्लाइंड होता है, डायरेक्टली फ्लो नहीं छोड़ते, स्प्रे ही होता है इसके अंदर बॉयलर में। उसके बाद फ्रेंड्स ये डाउन कमर है, आपको पता है स्टीम ड्रम में पानी जाने के बाद वो कहाँ जाता है, यहाँ पे होता है मेन स्टीम स्टॉप वाल्व, उसको बोलते हैं MSSV। वो इस प्रकार होता है फ्रेंड्स। हमारा जो स्टीम स्टोरेज हो गया यहाँ पे, ये यहाँ से प्रोसेस को भेजते है, यानी कि प्लांट को भेज देते है, और वो होता है स्टॉप वाल्व के थ्रू। ये हमारा स्टीम रोक के रखता है स्टीम ड्रम में, इसलिए ये जो है कंपलसरी होता है स्टॉप वाल्व। अगर स्टीम ड्रम को स्टॉप वाल्व है तो वो सैचुरेटेड और लो प्रेशर बॉयलर है, अगर स्टीम ड्रम को स्टॉप वाल्व नहीं है तो वो सुपर हीटेड हाई प्रेशर बॉयलर है। तो मैं फ्रेंड्स यहाँ पे सैचुरेटेड बॉयलर का जो स्टीम ड्रम होता है उसका बता रहा हूँ, सुपर हीटर के बारे में हम स्पेशल वीडियो बनाएंगे। तो यहाँ पे जो स्टॉप वाल्व है ये क्या काम करता है, इसके अंदर जो स्टीम स्टोरेज होता है उसको रोक के रखता है, यानी कि ये वाल्व क्लोज करने के बाद ही ये जो हमारा स्टीम ड्रम है वो प्रेशराइज होगा, और प्रेशराइज होने के बाद जो प्लांट को रिक्वायरमेंट है प्रेशर और टेम्परेचर और जो फ्लो है स्टीम का, वो स्टीम का फ्लो टेम्परेचर और प्रेशर यहाँ से देते हैं। अगर ये नहीं होगा तो हमें बॉयलर का स्टीम जनरेशन जब करते हैं बॉयलर में फायरिंग करते हैं तो यहाँ पे प्रेशर डेवलप नहीं होगा, और जब जैसा जैसा हम स्टीम जनरेशन करेंगे प्रेशर राइज करेंगे तो यहाँ से निकल जाएगा, उसको रोकने के लिए कुछ भी नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे स्टॉप वाल्व कंपलसरी चाहिए अगर ये सैचुरेटेड बॉयलर है तो। अगर सुपर हीटेड बॉयलर है तो इसका जो स्टीम है वो कॉइल में जाएगी, स्टॉप वाल्व सुपर हीटर के बाद रहेगा। मैं सुपर हीटर के ऊपर स्पेशल वीडियो आपको बना के दूंगा, फिलहाल ये समझो कि ये स्टॉप वाल्व है, यहाँ से प्लांट को प्रोसेस को जाती है और इसका काम है स्टीम को रोकना, और ये हमारा माउंटिंग में आता है, ये जो वाल्व है ये माउंटिंग में आता है। उसके बाद दोस्तों स्टीम ड्रम ईयर वेंट वाल्व, स्टीम ड्रम ईयर वेंट वाल्व इस प्रकार होता है, ये स्टीम ड्रम के अंदर जो भी ईयर है वो निकालता है। अभी आप सोच रहे होंगे रनिंग में ये कैसा ईयर निकालता है, रनिंग में नहीं फ्रेंड्स, रनिंग में तो ये ईयर वेंट वाल्व क्लोज होता है। हम जब भी बॉलर स्टार्टअप और शट डाउन करते हैं तो ईयर वेंट का बहुत यहाँ पे रोल ज्यादा होता है। जब हम बॉलर को स्टार्ट करते हैं उस समय यहाँ पे स्टीम नहीं होती है हमारी, यहाँ पे सिर्फ ईयर होती है, और 50% हम लेवल लेने के बाद जब वाटर बॉयल होता है और उसके अंदर से जो स्टीम बनती है तो यहाँ पे जो ईयर है ये ईयर हमें बाहर निकालना होता है। बॉयलर के अंदर ईयर हो गई तो गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए ये ईयर वेंट वाल्व हम यहाँ पे रखते हैं, स्टीम ड्रम के टॉप में होता है ये वाल्व और यहाँ से ईयर निकलता है। अभी ईयर वेंट वाल्व कब बंद करना चाहिए, जब बॉयलर में 1.5 kg प्रेशर आ गया तब ईयर वेंट वाल्व बंद करना चाहिए। 1.5 को ही क्यों ये वाल्व बंद करना चाहिए, क्योंकि हमारा जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है वो है 1 kg, और उससे ज्यादा प्रेशर अगर हमने डेवलप कर लिया तो वो जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है वो अंदर रुकने की कोई उसको जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हमारा जो प्रेशर है वो उससे ज्यादा हो गया है, इसलिए हम यहाँ पे 1.5 kg को इसको बंद करते हैं। चाहे तो आप इसको 2 kg पे बंद कर सकते हो, 3 kg पे बंद कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन 1.5 के नीचे यहाँ पे ईयर वेंट बंद नहीं करना चाहिए। अगर 1.5 के नीचे ईयर वेंट हमने वाल्व क्लोज कर दिया तो इसके अंदर गियर रहने के चांसेस बहुत होते हैं, इसलिए हम 1.5 के ऊपर ये ईयर वेंट वाल क्लोज करेंगे। तो फ्रेंड्स ये जो वाल है ये भी हमें कंपलसरी है, ये वाल जो है माउंटिंग में है, इसके बिना हम बॉयलर नहीं चला सकते हैं, तो आप इसको ध्यान में रखिए। उसके बाद स्टीम ड्रम सेफ्टी वाल, स्टीम ड्रम सेफ्टी वाल क्या होता है, ये होता है फ्रेंड्स एक्सेस प्रेशर रिलीज करने के लिए। सेफ्टी वाल यानी कि सुरक्षा झड़पा, इसको मराठी में सुरक्षा झड़पा बोलते हैं। तो ये क्या काम करता है, इस वेसल के अंदर, इस ड्रम के अंदर जो प्रेशर एक्सेस हो जाता है, यानी कि अभी इसका प्रेशर है 20 kg, उसके बाद और प्रेशर बढ़ रहा है 21 kg हो गया, 22 kg हो गया, और कंट्रोल ही नहीं हो रहा है, हमने फायरिंग भी बंद किया है फिर भी कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो उस समय हम प्रेशर कैसे रिलीज करेंगे। तो ये जो सेफ्टी वाल है इसको सेट पॉइंट दिया होता है, ये स्प्रिंग लोडेड सेफ्टी वाल है, इसको 20 kg का ऊपर से
प्रेशर दिया जाता है, यानी कि अपना जो बाइक का सस्पेंशन होता है शॉक अब्सॉर्बर, वो वैसा ही यहाँ पे ये होता है स्प्रिंग। लेकिन यहाँ से इसके अंदर एक एडजस्ट स्क्रू होता है और एक चेक नट होता है, उसको घुमा के हम यहाँ पे इसको सेट करते हैं उतना प्रेशर के ऊपर। 20 केजी के ऊपर प्रेशर आया, इसको टेंशन देते है स्प्रिंग को 20 केजी तक ये प्रेशर होल्ड करके रखेगा। और उसके ऊपर ज्यादा प्रेशर आ गया 21 केजी, यानी कि 21 केजी प्रेशर आया तो यहाँ पे रिलीज कर देता है। तो फ्रेंड्स ये कंपलसरी है और ये माउंटिंग में है, और ये एक नहीं होता है फ्रेंड्स तो ये दो सेफ्टी वाल होते हैं, क्योंकि एक से अगर प्रेशर कंट्रोल नहीं हुआ तो ये दूसरा भी सेफ्टी वाल यहाँ पे ब्लो होता है, यानी कि प्रेशर रिलीज करता है। अभी फ्रेंड्स यहाँ पे प्रेशर कैसे बढ़ता है मैं आपको बता देता हूँ। अगर हमारा बॉयलर 20 TPH से, यानी कि 20 टन पर आवर से चल रहा है और उसका प्रेशर 20 kg है, यानी कि 21 kg है, और वो प्लांट को कंटिन्यू यहाँ पे हम स्टीम दे रहे हैं, तो अचानक से प्लांट में कुछ गड़बड़ हो गया, उनका स्टीम कट हो गया, तो फ्रेंड्स हमारा जो 20 TPS से बॉयलर चल रहा था उस समय हमारा जो फायरिंग है बॉयलर में, वो फायरिंग भी 20 TPS के हिसाब से हमने फायरिंग को फीड कर रहे हैं, तो अचानक से यहाँ पे अगर स्टीम लोड कट हो गया तो जो उसका जो बैक प्रेशर है वो बैक प्रेशर यहाँ पे स्टीम ड्रम के अंदर आएगा, उसका फ्लो अचानक से कट हो जाएगा, जो स्टीम जनरेशन करने का जो फायरिंग का वो कैपेसिटी है वो हम इंस्टेंटली यानी कि सडनली बंद तो नहीं कर सकते, थोड़ा धीरे धीरे ही करना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि वो जो बैक प्रेशर आता है स्टीम फ्लो बंद हो जाता है और प्रेशर बढ़ जाता है, उस समय यहाँ से 20 TPH से फ्लो जा रहा था यहाँ पे स्टीम का, तो वो जो फ्लो है इस दोनों सेफ्टी वाल से बाहर जाना चाहिए और जो एक्सेस प्रेशर है वो भी सेफ्टी वाल से बाहर जाना चाहिए। इसलिए एक सेफ्टी वाल को अगर कंट्रोल नहीं होता है तो वहाँ पे दूसरा सेफ्टी वाल भी ब्लो होता है। तो इसका जो सेट पॉइंट है वो कैसा होता है, अगर समझो हमारा वर्किंग प्रेशर है 20 kg बॉयलर का, 20 kg से हम प्लांट में स्टीम दे रहे हैं, तो इस वाल का होगा 21 kg, या तो फिर इसका प्रेशर होगा 20.5 और इसका होगा 21 kg। तो फ्रेंड्स 1 kg का भी डिफरेंट हो सकता है और 0.5 kg का यानी कि आधा केजी का भी डिफरेंस यहाँ पे हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। एज पर डिजाइन होता है, इस ड्रम का जो डिजाइन होता है बॉयलर का डिजाइन होता है उस हिसाब से इसको सेट पॉइंट दिया जाता है। तो फ्रेंड्स ये सेफ्टी वाल भी हमारे लिए बहुत कंपलसरी होता है, ये भी माउंटिंग में आता है। उसके बाद हम देखेंगे फ्रेंड्स एनी टैपिंग फ्रॉम स्टीम ड्रम, तो यहाँ से जो आपको अगर एक्स्ट्रा लाइन दिखती है एनी टैपिंग, यानी कि अगर यहाँ पे एक टैपिंग है और उसको ब्लाइंड फ्लैंज है यानी कि उसको क्लोज किया है, तो ये फ्यूचर के लिए निकाल के रखते हैं फ्रेंड्स। फ्यूचर में अगर कुछ वहाँ उनको स्टीम लेके जाना है दूसरी जगह कहाँ पे आप इससे लेके जाना पड़ता है, तो बॉयलर में यूज करने के लिए यहाँ पे शूट ब्लोइंग के लिए लेके जा सकते है, और डेरेटर चार्जिंग करने के लिए यानी कि हीट करने के लिए यहाँ पे लेके जा सकते है। तो फ्रेंड्स ये जो अगर आपको एक्स्ट्रा वहाँ पे टैपिंग दिखती है, या तो फिर उसको आपको उस टैपिंग को ब्लाइंड दिखेगा, या तो फिर वहाँ पे एक एसोलेशन वाल दिखेगा, एसोलेशन वाल के बाद वो लाइन जोड़ के इन फ्यूचर में कहीं पे भी वो ले जा सकते हैं और रनिंग बॉयलर में यहाँ पे वो ये काम कर सकते हैं, इसलिए एसोलेशन वाल देते हैं। तो फ्रेंड्स इसके अलावा इसके ऊपर दूसरा और टेम्परेचर और प्रेशर गेज भी होता है, लेकिन फ्रेंड्स ये जो टैपिंग है ये माउंटिंग नहीं है, ये एसेसरीज में है, ये नहीं हुए तो भी हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कंपलसरी नहीं है। जस्ट मैंने आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि स्टीम ड्रम के ऊपर जब भी आप जाओगे तब आपको पूरा लाइन पूरा इक्विपमेंट समझ में आना चाहिए। मैंने अगर ये टैपिंग नहीं बताया और आपने गए उस स्टीम ड्रम के ऊपर अगर एक्स्ट्रा वहाँ पे टैपिंग है तो आप कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने ये टैपिंग आपको बताया है और ये एसेसरीज है, हमको इसकी कोई जरूरत नहीं है, अगर है तो कंपलसरी नहीं है। तो फ्रेंड्स इसके बाद प्रेशर गेज हमें चाहिए, क्योंकि इस ड्रम के अंदर कितना प्रेशर है अगर हमें पता नहीं चलेगा तो हम बॉयलर कैसे ऑपरेट कर सकते हैं, इसलिए हमें स्टीम ड्रम के ऊपर कंपलसरी प्रेशर गेज चाहिए और टेम्परेचर गेज चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर भी कितना है ये भी हमें पता होना जरूरी है। ये इतने सारे जो इक्विपमेंट है फ्रेंड्स, ये इक्विपमेंट हमें पूरा इस ड्रम के ऊपर कंपलसरी 100% चाहिए। इसमें से अगर एक भी इक्विपमेंट नहीं है
तो हम बॉयलर नहीं चला सकते और इन सारे इक्विपमेंट को ही बॉयलर का माउंटिंग फिटिंग कहते हैं। माउंटिंग यानी कि ऊपर वाला फिटिंग, ये जो है सब ये स्टीम ड्रम के ऊपर वाले साइड पे होते हैं। और आपको माउंटिंग यहाँ पे कोई कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं, माउंटिंग फिटिंग इसको ही कहते हैं कि जिसके बिना बॉयलर नहीं चला सकते वो माउंटिंग है। और जो इक्विपमेंट है ये जो है लेवल ट्रॉल जैसे इक्विपमेंट है, इसको निकाल के हम बॉयलर चला सकते कोई प्रॉब्लम नहीं। ये एक सेफ्टी और एक हमको आसान कर देता है, हमारा जो परेशानी वो कम कर देता है, इसलिए ये लेवल ट्रॉल है, ये कंपल्सरी नहीं है। आपको समझ में आ रहा होगा, होप मैं आशा करता हूँ आप समझ पाओगे। तो इस तरह के इक्विपमेंट को हम एसेसरीज बोलते है। और ये जो प्रेशर गेज है, टेम्परेचर गेज है, सेफ्टी वाले वाटर लेवल गेज ग्लास है, इस तरह के इक्विपमेंट को हम माउंटिंग कहते हैं। और दूसरी बात यह है फ्रेंड्स, माउंटिंग में जो हमारा फीड वाटर कंट्रोल वाल है उसको फीड चेक वाल कहते हैं, यानी कि उसमें नॉन रिटर्न वाल भी होता है। नॉन रिटर्न वाल क्या होता है कि जब हमारा ये प्रेशराइज है और हमारा जो वाटर लेवल का जो रिक्वायरमेंट है 50% है, तो हमने वाल को 50% यानी कि +25 का सेट पॉइंट दे दिया है और वो मेंटेन कर रहा है। उसके बाद होता क्या है, एक कंडीशन ऐसी आती है कि +25 लेवल आ जाता है और वो वाल क्या होता है, क्लोज हो जाता है, यानी कि यहाँ पे प्रेशर आना बंद हो जाता है। तो होता क्या है फ्रेंड्स, इसके अंदर से ये उल्टा प्रेशर यहाँ पे रिटर्न जाएगा। अगर वहाँ पे नॉन रिटर्न वाल नहीं होगी तो ये जो प्रेशर है फीड पंप से निकल के ये डेरिटेड टैंक में जा सकता है, बैक प्रेशर से ये हमारा डिप्रेशराइज हो सकता है, वाटर लेवल फिर से डाउन हो सकती है, क्योंकि ये जो पाइप है ये नीचे वाटर स्पेस में होता है और इसमें से रिटर्न पानी जा सकता है प्रेशर से। तो आप यहाँ पे इतना समझिए, जो नॉन रिटर्न वाल है वो जो है ऑपोजिट प्रेशर को नहीं जाने देता है, वो रोक के रखता है, और जब भी फीड पंप का प्रेशर आएगा वो फीड पंप के प्रेशर से वो वाल ओपन होता है और जितना इसको वाटर लेवल रिक्वायरमेंट है उतना वाटर दे देता है और बैक प्रेशर से वो वाल क्लोज हो जाता है। तो उसको बोलते हैं फीड चेक वाल। और नॉन रिटर्न वाल भी वहां पे होता है, दोनों ही काम एक ही वाल करता है, वो उसका नाम है फीड चेक वाल। उस वाल के ऊपर मैं आपको स्पेशल वीडियो बना के दूंगा का अंदर क्या होता है, कैसा सिस्टम होता है। इसके अलावा इस ड्रम पे और दो लाइन होती है, वो मैंने आपको नहीं बताया, और वो होती है लाइन एक CBD और एक केमिकल डोजिंग। हम बॉयलर में pH बूस्टर और फास्फेट डोज करते हैं, इसलिए एक केमिकल डोजिंग लाइन होती है और दूसरी लाइन होती है CBD यानी कि कंटिन्यू ब्लो डाउन लाइन। इस लाइन के अलावा इस स्टीम ड्रम के ऊपर दूसरी लाइन नहीं होती है, वो दो लाइन मैंने आपको नहीं बताया, तो वो दो लाइन यहाँ पे कंपलसरी होती है। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सब समझ में आया होगा, स्टीम ड्रम क्या होता है, स्टीम ड्रम के ऊपर क्या क्या इक्विपमेंट होते हैं। और अगला वीडियो जो मैं बनाऊंगा वो एसेसरीज के ऊपर बनाऊंगा, बॉयलर के एसेसरीज क्या है। मेरे चैनल को जुड़े रहने के लिए फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और बेल आइकन को भी प्रेस करो, ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। और फ्रेंड्स, आपको जो भी बॉयलर का जो कन्फ्यूजन है, आपको कुछ समझ में अगर नहीं आया है तो आप कमेंट में भेज सकते हो, आपके कमेंट मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड्स, आप अगर कमेंट करते हैं तो आपका कन्फ्यूजन मैं उस कमेंट के ऊपर मैं वीडियो बना के आपको शेयर कर दूंगा। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।